नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन टारगेट चैनल में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज मैं फिर से फिटर का ट्रेड थ्योरी पार्ट 9 लेकर के आया हूँ। ये जो है कि 9वां भाग है। इससे पहले हमने 8 भाग तक अपलोड कर दिया है, ठीक है। और अभी तक यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और यदि आप टेक्निकल की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँच जाए, ठीक है। और यदि आप रेलवे CBT 2 की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो है। आप अंत तक इस वीडियो को देखिए। और चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि BIS स्क्रू थ्रेड का कौन होता है, ठीक है। BIS क्या है? एक स्टैंडर्ड है। और स्क्रू थ्रेड का कौन BIS ने दिया है वो कितना है? यहाँ पे A, B, C और D चार ऑप्शन दिया गया है, जिसका आपको सही आंसर होगा हमारा 60 डिग्री, ठीक है। स्क्रू थ्रेड का कोण जो होता है वो 60 डिग्री का होता है। दो नंबर क्वेश्चन देखिए, एक्नी थ्रेड का कोण होता है, एक्नी थ्रेड का कोण होता है, एक्नी थ्रेड का कोण होता है 29 डिग्री का, ठीक है। तीन नंबर क्वेश्चन को देखिए, मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर के स्पिंडल पर चूड़ियों का पीच होता है। मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर के स्पिंडल पर चूड़ियों का पीच होता है, तो कितना मिलीमीटर उसका पीच होता है ये बताना है। यहाँ भी चार ऑप्शन दिया हुआ है, 1 मिलीमीटर, 0.5 मिलीमीटर, 0.25 मिलीमीटर और डी है 0.02 मिलीमीटर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.5 मिलीमीटर। चार नंबर क्वेश्चन देखिए कि इंग्लिश आउटसाइड माइक्रोमीटर के स्पिंडल पर चूड़ियों का पीच होता है। इंग्लिश आउटसाइड माइक्रोमीटर के स्पिंडल पर चूड़ियों का पीच होता है, ये होता है आपको 0.025 इंच, ठीक है। पांच नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी स्क्रू थ्रेड की लीड की गणना के लिए सूत्र होता है। यहाँ पे चार सूत्र दिया गया है, इसमें से कौन सा सूत्र होता है स्क्रू थ्रेड के लीड की गणना के लिए, ठीक है। तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है आपको पीच गुने स्टार्टों की संख्या। छः नंबर क्वेश्चन देखिए, बाहरी चूड़ियों का पीच डायमीटर चेक करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। बाहरी चूड़ियों का पीच डायमीटर चेक करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, ऑप्शन दिया हुआ है नॉट, बी है थ्रेड रिंग गेज और सी है स्क्रू पीच गेज और डी है स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा वही स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। सात नंबर देखिए कि लीड और पीच बराबर होते हैं, लीड और पीच बराबर होते हैं, ऑप्शन दिया हुआ है, चार ऑप्शन दिया गया है और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपको सिंगल स्टार्ट चूड़ियों में। लीड और पीच दोनों बराबर होता है कब? सिंगल स्टार्ट चूड़ी में। आठ नंबर देखिए, चाबी एक साधन है जिससे, ऑप्शन दिया है मशीनी पार्टों की फास्टनिंग की जाती है, बी है मशीन को चलाया जाता है, सी है मशीन को रोका जाता है और डी है मशीन की चाल को नियंत्रित किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मशीनी पार्टों की फास्टनिंग की जाती है। नंबर क्वेश्चन को देखिए, किसी सिलेंडर की अंदरूनी या बाहरी सरफेस पर यूनिफॉर्म सेक्शन और हेलिक्स एंगल में बने हुए रिज को क्या कहते हैं, ठीक है। किसी सिलेंडर की अंदरूनी या बाहरी सरफेस पर यूनिफॉर्म सेक्शन और हेलिक्स एंगल में बने हुए रिज को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया हुआ है, चार ऑप्शन दिया गया है और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपको स्क्रू थ्रेड, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा स्क्रू थ्रेड। दस नंबर देखिए, ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड का कौन होता है? ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड का कौन होता है? इसका कौन होता है आपको 55 डिग्री का। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, बटरेस थ्रेड का कौन होता है? बटरेस थ्रेड का कौन होता है? 45 डिग्री का कौन होता है। 12 नंबर देखिए, चूड़ियाँ प्रायः कौन कौन स्टार्ट की पाई जाती है? चूड़ियाँ प्रायः कौन कौन स्टार्ट की पाई जाती है? तो ये जो है कि आपको सिंगल स्टार्ट थ्रेड, डबल स्टार्ट थ्रेड और मल्टी स्टार्ट थ्रेड, ये तीनों में पाया जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्क्रू थ्रेड की दोनों साइडें ऊपर के जिस पॉइंट पर मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? स्क्रू थ्रेड की दोनों साइडें ऊपर के जिस पॉइंट पर मिलती है उसे हम
क्या कहते हैं? तो उसको हम क्रेस्ट बोलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सी चाबी आयताकार होती है? वह चौड़ाई में समान और मोटाई में टेपर होती है। ठीक है, तो इसका जो है कि प्लेन टेपर की होता है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, वह कौन सा टूल है जो एक गोल धातु का पीसा होता है, उसके सिरे पर हेड और दूसरे सिरे पर चूड़ी बनी होती है। ठीक है, उसके एक सिरे पर हेड और दूसरे सिरे पर चूड़ी बनी होती है। ऑप्शन दिया गया है ए चाबी, बी बोल्ट और सी नट और डी वाशर। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बोल्ट। मतलब ये बोल्ट एक ऐसा टूल है जो गोल पीस होता है, गोल होता है धातु का, और उस पर जो है कि एक सिरे पर हेड और दूसरे सिरे पर चूड़ी बना होता है। 16 नंबर देखिए, वह गोल आकार की धातु का पीस जिसके दोनों सिरों पर चूड़ियां बनी होती है और बीच का भाग प्लेन रखा जाता है। ठीक है, दोनों सिरा पर क्या होता है, उसका चूड़ी बना होता है और बीच भाग में जो है प्लेन होता है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम स्टड बोलते हैं। 17 नंबर देखिए, डबल की हार्डनेस कितनी होनी चाहिए? ठीक है, डबल की हार्डनेस कितनी होनी चाहिए? तो इसका जो है कि 60 से 64 HRC होनी चाहिए। 18 नंबर है, सॉफ्ट शोल्डर एलाय है तो लीड और टीन का एलाय है। सॉफ्ट शोल्डर क्या है? लीड और टीन का एलाय है। 19 नंबर देखिए, किसमें हेड नहीं होता है? किसमें हेड नहीं होता है? तो स्टड में हेड नहीं होता है। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन को देखिए, साधारण शोल्डर का गलनांक होता है। यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है और इसका जो है कि 205 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। साधारण शोल्डर का गलनांक कितना होता है? 205 डिग्री सेंटीग्रेड। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये रहा 20 क्वेश्चन फिटर ट्रेड थ्योरी का। फिर से और अगले वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि कोई सवाल है तो कमेंट करके हमको बताइए। ठीक है, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू।